अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ ज़फ़ीरा शबीर एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SN1CB मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। वी हैव टू कवर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस लेक्चर। नंबर वन द इंट्रोडक्शन, नंबर टू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, नंबर थ्री द रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर फोर द फीचर्स इन्वॉल्व, नंबर फाइव द एविडेंसेज विच आर इन द फेवर ऑफ द SN1CB मैकेनिज्म। As the name indicates, SN1 is the substitution nucleophilic unimolecular reaction. ये हमारे पास replacement reaction है। जब हमारे पास कोई भी nucleophile attack करेगा और order of reaction इसमें हमारे पास क्या होगा, one होगा। And CB stands for the conjugate base, और conjugate base हमारे पास कोई भी species होती है which is formed by the removal of proton from an acid. And this mechanism was proposed by the Garrick. और जो हमारे पास SN1CB मैकेनिज्म है, ये हमारे पास पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए बहुत सारे मेटल एमीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़े, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास दो टाइप के थे, या तो एसिड हाइड्रोलिसिस थी या फिर बेस हाइड्रोलिसिस थी। और जो बेस हाइड्रोलिसिस है वो हमारे पास प्रोसीड करती है बाय द SN1CB मैकेनिज्म। और अब हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि मैकेनिज्म में हमारे पास तीन स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्राम द कॉम्प्लेक्स। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करता है, तो कॉम्प्लेक्स बिहेव करता है एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। ये जो है वो हमारे पास एच प्लस को जो है वो हमारे पास रिलीज़ कर देगा और हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा और कॉन्जुगेट बेस बनती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस टू से प्लस वन के अंदर कन्वर्ट होगी। एंड दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड फास्ट। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप। रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, वो कौन फैसिलिटेट करेगा कि कोबाल्ट के साथ लीविंग ग्रुप मतलब Cl भी अटैच है और NH2 भी अटैच है। और जो हमारे पास NH2 ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर है वो फेवर करता है द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड विद द कोबाल्ट, जिसकी वजह से जो हमारे पास लीविंग ग्रुप की एलिमिनेशन है वो हमारे पास ईजिली हो जाएगी और हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन goes from plus 1 to plus 2 and this reaction is very slow. As this reaction is slow, so it is rate determining step. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब वाटर के साथ जो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एच प्लस जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स को डोनेट किया जाएगा और हमारे पास अगेन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है। द रिएक्शन विच इज़ हैविंग द स्लोएस्ट स्टेप, इट इज़ द सेकेंड स्टेप विच इज़ द रेट डिटर्मनिंग स्टेप। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्जुगेट बेस की कंसनट्रेशन के, और रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू, और उसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी वो हम फर्स्ट जो हमारे पास इसमें स्टेप है उसके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हम लिखेंगे। के इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ से जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस को हम सेपरेट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, रेट इज़ इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल के कॉम्प्लेक्स आइन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आइन ओवर कंसनट्रेशन ऑफ OH2। और जो हमारे पास स्मॉल के कैपिटल के ओवर OH2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे के बी से, विच इज़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द बेस हाइड्रोलिसिस, और रेट इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं रेट इज़ इक्वल टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। मतलब इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि SN1CB मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा, अगर कंसनट्रेशन ऑफ बी बहुत ज़्यादा हो, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ ए के ऊपर। सो हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1CB मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हैं SN1CB मैकेनिज्म के। नंबर वन, हमारे पास कौन सा फीचर है, पहला
के बी इज़ ग्रेटर देन के ए, कि जो हमारे पास वैल्यू है रेट कांस्टेंट की फॉर बेस हाइड्रोलिसिस वो ज़्यादा है एसिड हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस जो है वो मिलियन टाइम ग्रेटर होता है रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस से। सेकेंड फीचर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनती है, जो एमाइडो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज जो है वो कम होता है, और ये जो लेसर चार्ज है वो हमारे पास इन्हेंस करता है रेट ऑफ लीविंग ग्रुप। कैसे इन्हेंस करता है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास कोबाल्ट के साथ सी एल भी अटैच है, एच टू एन भी अटैच है। जो हमारे पास लोन पेयर है एच टू एन के ऊपर वो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ दी पाई बॉन्ड विद दी कोबाल्ट एंड विच इन्हेंस द एलिमिनेशन ऑफ द लीविंग ग्रुप। थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या फीचर है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन उस अमोनिया से जो हमारे पास ट्रांस है लिविंग ग्रुप के। अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ओएच नेगेटिव है उसने उस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया जो हमारे पास ग्रुप लिविंग ग्रुप के ट्रांसपोजिशन के ऊपर है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी है वहाँ से रिमूवल हो रही है लिविंग ग्रुप की, और ये रिमूवल जो है वो हमारे पास जब हो जाएगी तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारे पास होता है हैविंग द ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, और उसके बाद हमारे पास प्रोटोनेशन होगी और अगेन हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दो पॉसिबल मैकेनिज्म है जिनके जरिए बेस हाइड्रोलिसिस जो है वो प्रोसीड कर सकती है, एक SN2 मैकेनिज्म और दूसरा है SN1CV मैकेनिज्म। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है वो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि SN1CV मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है फॉर द बेस हाइड्रोलिसिस, और कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो फेवर में हैं SN1CV मैकेनिज्म के, लेट्स हैव अ लुक। नंबर वन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास नॉन लिविंग ग्रुप के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन नहीं होगी और बेस हाइड्रोलिसिस जो है वो हमारे पास क्या होगी, स्लो होगी। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें जो हमारे पास नॉन लिविंग ग्रुप है साइनाइड आयन, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन नहीं होगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लो होगा। सेकेंड एविडेंस हमारे पास क्या है कि जब हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड को तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लो हो जाता है। रिएक्शन स्लो क्यों होता है कि जब हम हाइड्रोजन परोक्साइड को ऐड करेंगे ये हमारे पास रिएक्ट करती है हाइड्रोक्साइड आयन्स के साथ और बनाती है पर ऑक्सो आयन, और जो हमारे पास पर ऑक्सो आयन बनता है ये हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन द हाइड्रोक्सिल आयन। और अगर ये हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल है तो अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म होता तो हमारे पास रिएक्शन को फास्ट होना चाहिए था बजाय इसके कि स्लो हो। इस वजह से हम कहते हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म नहीं है बल्कि SN1CV मैकेनिज्म है, जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, और जब हम हाइड्रोजन परोक्साइड को ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन भी हमारे पास कम हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लो हो जाता है। और ये हमारे पास एविडेंसेस थे विच आर इन द फेवर ऑफ द SN1CV मैकेनिज्म, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क।